अमृतसर की देहाती पुलिस के द्वारा एक कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया गया है और ये कत्ल रात ही किया गया था। डीएसपी सहोता के मुताबिक आरोपियों के द्वारा 23 साल युवक को कोई जहरीली चीज खिलाकर उसका कत्ल कर दिया गया था, लेकिन रात में नाकाबंदी के दौरान इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीएसपी के मुताबिक ये युवक आज विदेश जा रहा था, लेकिन जिन लोगों की ओर से इस युवक का कत्ल किया गया है वो उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वहीं आज इस युवक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं मृतक युवक के चाचा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा आज विदेश जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों की ओर से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि वो उसकी बॉडी को छुपाने के लिए जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको दबोच लिया गया। उन्होंने प्रशासन से अपील की है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, आज सुबह जगजीत सिंह जग्गी नाम के एक लड़के की जिदी की उम्र 25 साल के अराउंड है, वासी चैनपुर PS रायसा सी, ये लड़का सीगा, इहदी डेड बॉडी मिली है। ये कल ये लड़का अपने जानकारी सीगे इहदे नवदीप सिंह ते गुरविंदर सिंह वासी मुरादपुरा थाना कंबोह उन्हां कोल गया सीगा। उत्थे जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन दे विच सामने आया कि इन्हां दा कोई पैसिआं दे लैण देण दी करके ही इन्हां दी आपसी टसल चल रही सी, ते उसे टसल दे करके कल ये दो लड़कियां ने इन्हां कुछ खवा पिया दित्ता जिहदे करके इहदी उत्थे मौत हो गई। मौत होने तो बाद उन्होंने ना तो किसी को इतलाह दी या जड़ा है फिर नेरे का फायदा चुकन की कोशिश की गई कि रात के टाइम ये बॉडी डिस्पोज ऑफ करने की खुरद बुरद करने की कोशिश कर रहे थे। ये बॉडी बलैरो गड्डी अपनी प्राइवेट बलैरो गड्डी दे विच पा के इनू लेके जा रहे थे। साडा थाणा छियाटे दा अंडर घनूपुर काला नाका आंदा वो नाके दे इस बलैरो गड्डी की चैकिंग की गई, तो जो चैकिंग की गई तो एक डेड बॉडी बरामद हुई। उस दी शनाख्त करके फिर उन्होंने कंसर्न थाने इतलाह दी, जो थाने इतलाह दी तो असी ये जो एक्यूज बंदे है उन्होंने राउंड अप किया तो अगे बनती कार्रवाई की है। बनती कार्रवाई तहत असी FIR 148 रजिस्टर की अंडर सैक्शन 302, 201, 34 IPC थाना कंबोह। ये तीनों एक्यूज जोड़े ने फड़ ले गए हैं, उन्हों की अरैसट पा के उन्होंने कल प्रोड्यूस किया जाएगा तो रिमांड लैके इन जी वजह रंजिश है उन्हों होर चंगी तरीके ये बारे जानकारी दी जा सकती है। सर, लड़का विदेश जाने तैयार से कुछ लड़का पहलों भी विदेश टाइम लगा के आया सीगा, बहरीन टाइम लगा के आया सीगा, तो हूँ भी 6 तरीक न घरदियां अकॉर्डिंगली बाहर जाने की तैयारी में ही बट गया नहीं, इतें ही रह रहा है, तो हो सकता है इन्हों पैसों के टसल करके ही वो बाहर ना जा पाया हो, उस वजह से करके अज जड़ा अजय की मौत का कारण बने। सर, परिवार ने कहा कि कुछ पैसे भी सके लड़के को लो, कुछ बरामद हुए जो उही गल मैं इनिशियली कह रहा ना, परिवार वाले ने सानू दस्या कि जदों घरों लड़का गया सीगा इहदे कोल कुछ अमाउंट सीगी, तो अज जदों इहदी बॉडी मिली है ये कोई भी अमाउंट नहीं है। मे बी उही कारण बनया होवे दोनों पार्टियां की आपसी टसल का, तो लड़कियां दे विच जिहड़ी रंजिशबाजी होने का उही कारण बनया। अंडर सैक्शन 302 मर्डर, तो 201 जिहड़ा उन्होंने खुरद बुरद करने की कोशिश की, 34 जिहड़ी इन्हां दे नाल इन्हां दी सारी साजिश तहत इन्होंने किया। ਸਾਡਾ ਭਤੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਆਏ ਦਿਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮਰਾ ਰਾਸ ਇੱਥੇ ਮੋਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ FIR ਕਟਾ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਆ, ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜਾਵੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।